डीडीसी साहब जिंदाबाद, डीडीसी साहब जिंदाबाद, डीडीसी साहब जिंदाबाद। इधर जाइए, मैं जे आर भारद्वाज, डीडीसी रामनगर दो। तो आज हम जहाँ पंजग्राही पंचायत में वार्ड नंबर 6, इस एरिया को हम बोलते हैं छड़ा वाला एरिया, तो जहाँ जे हैंडपम्प डीडीसी ग्रांट में मैंने रखा हुआ था 4 लाख रुपया, इसमें तो जे हैंडपम्प लगा है, आपने देखा पानी भी इसमें निकला फर्स्ट क्लास, और पुरानी डिमांड जो लोगों की थी ये पूरी हुई है। मैं ये कह दूं कि ये एरिया स्पेशली यहाँ कुछ एक मोहल्ला है हमारा, शेड्यूल कास्ट लोग रहते हैं, इनका पुराना हैंडपम्प एक ख़राब हो गया, 3-4 बार मैंने कोशिश की उसको ठीक कराने की, वो ठीक नहीं हुआ, उसको देखते हुए ये एक नया हैंडपम्प इनको दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ इन लोगों को ये छड़ा वाले लोग, इस वार्ड नंबर 6 वाले लोग और ये ऐसी मोहल्ला, इन सब के लिए एक सुविधा बनी है, और पानी की जो एक किल्लत थी, मैं समझता हूँ कि पानी का जो सुविधा, देखो जो ही हम आए तो जहाँ कपड़े शपड़े धो रहे थे लोग, ये हमारी एक महिला जहाँ खड़ी कपड़े धो रही थी, अब माल मवेशी जहाँ से पानी पी रहा है, तो इसी तरीके से इस पानी का जो इस्तेमाल है अपने घरों में दूसरी ज़रूरतों को भी पूरा कर रहा है, तो कितना बड़ा फायदा होगा इन लोगों को ये अपने आप में दिख रहा है। तो ये जो पुरानी एक डिमांड थी, पुराना ये एक इश्यूज था, ये एक साल्व हो गया है, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि पानी ठीक ठाक इसमें चल रहा है और ये कभी बंद भी नहीं होगा। रही बात इनका एक दूसरा जो हैंडपम्प बंद है, तो कुछ ही दिनों में उसको भी मैं ठीक करवाने जा रहा हूँ, और वो भी इनको ठीक करके दे दूँगा। 2 हैंडपम्प हो गए इनके लिए, और मैं ये मानता हूँ कि इस एरिया की जो पानी की किल्लत थी वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। जल जीवन मिशन जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरा जिसे हम कहते हैं भारतवर्ष में, वो एक मिशन चल रहा है बड़े जोरों पर, उस मिशन को जब तक जहाँ कंप्लीट नहीं हो जाता, आने में कोई समय लग जाता है, तब तक इनकी ये जो पानी की किल्लत थी ये पूरी करेगा। और जल जीवन मिशन में घर घर नल और घर घर स्वच्छ जल सबको मिलेगा। तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक नारा था, सबका साथ सबका विकास और विश्वास, वो हम देख रहे हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जितनी भी है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई स्कीमें लोगों तक पहुँच रही हैं, और लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो हमें लगता है कि हम सारे मिलजुल के प्रधानमंत्री जी को और ज़्यादा स्वस्थ बनाएं, जिसमें कहते हैं कि और ज़्यादा हमारा फर्ज बनता है कि उनका साथ दें, और आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़ के हम भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, और दोबारा हम प्रधानमंत्री जी को जहाँ प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो हम सारे मिलजुल के जितने हम लोग हैं, हम सब मिल के, ये एक हमारा एक आज यहाँ एक प्रण भी है कि हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हम पूरा जोर लगा देंगे, और एक एक जो जिसे हम कहते हैं स्कीम है लोगों तक पहुंचेगी, लोगों को इसका फायदा होगा, और आने वाला समय जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, नरेंद्र भाई मोदी फिर से प्रधानमंत्री होंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।